मुंजी साहब मुंजी की फोटो भी दो तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे, गिरफ्तार ही नहीं डाले। हो गया क्या? अरे हो गया, रेडी हो गया, रेडी हो गया। सुरेश सामने करो। अरे इधर खड़ा हो, इधर ही। अरे सीआई साहब को ले जाओ, सीआई साहब को करेंगे कि देखो इनकी कोई मत देखो। एक मिनट रुको तो सही, प्रेस अरे प्रेस नोट, प्रेस नोट, प्रेस नोट लाओ। भगवान जी के पास है पानी, मंगो। सुरेश इसका तो क्या स्पेसिफिक उरिया था, लोगों ने जो बताया था ना पहले, जैसे जिन भी महिलाओं ने बताया ये 45 साल का, और जो हुलिया जिसने बताया इसके पास जो हेलमेट है वो भी स्पेसिफिक है, वो अलग से इसमें छज्जा टाइप बना होगा, तो उससे आई इसके पास भी ऐसा कैसा हेलमेट था इससे। अजमेर शहर में लगातार महिलाओं के चलती रास्ते महिलाओं के या घर के बाहर खड़ी महिलाओं के पर्स छीनने की वारदातें हो रही थी, इसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर और श्रीमान एडिशनल एसपी सिटी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ कृष्णगंज एवं स्पेशल टीम एवं थाना कृष्णगंज के स्टाफ को टीम मामूल करके इनके इसके ऊपर अंकुश रखने और इनकी खुलासा करने की हिदायत दी गई। इस पर आज भी एक सोनी देवी जो बीपीएल क्वार्टर्स की रहने वाली थी, वो औरत अपने घर से हॉस्पिटल जा रही थी, तो रास्ते में धारसेन स्मारक के पीछे एक व्यक्ति उसका पर्स छीन के भाग गया। इसकी सूचना मिलने पर थाना आजा से टीम एवं स्पेशल टीम ने वहां लगातार चारों तरफ नाकाबंदी करके और बताए गए हुलिये के हिसाब से लोगों की छानबीन की, तो एक व्यक्ति जो जिसका नाम सुरेश उर्फ शेरू है, जो नसीराबाद का रहने वाला है, वो व्यक्ति बताए गए हुलिये का वहाँ पे चारबुजा हॉस्पिटल के सामने जाता हुआ मिला, जिसको रोककर पूछताछ की तो घबरा गया और उससे उससे पूछताछ की, उसकी तलाशी ली तो उसके महिला के द्वारा जो चुराए गए, उससे छीन के जो लेके गए उसके सामग्री उससे बरामद हुई है। इस प्रकरण में उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाकर उससे बरामदगी की जा चुकी है, और अन्य मुकदमों में भी जब सीसीटीवी फुटेज और इस तफ्तीश के दौरान हमने खंगाल किए थे तो इसी व्यक्ति का हुलिया सामने आया था। इसी प्रकार से ये एक सब पीड़िताओं ने ये बताया था कि एक करीब अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति है जो हमारे इस तरह से वारदात करके गया है। कितनी वारदातें? इसने 3 वारदात कृष्णगंज थाना में हरिभा उपाध्याय नगर के आसपास बताई है, 2 वारदातें इसने रामगंज और आदर्श नगर में करना बताया है। ये इस व्यक्ति से प्रारंभिक पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये आर्थिक तंगी से चल रहा है, इसके ऊपर करीब 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है और इस कारण से ये इस पे तंगाली के कगार पे है, इसी को पूर्ति के लिए लगातार ऐसी वारदातें करता आ रहा है। नहीं नहीं, इसका कहना यह था कि इसने कई प्रॉपर्टी का काम किया था जिसमें इसको घाटा हुआ तथा इसको कई लोगों ने धोखा दिया, जिस कारण से इस पे कर्जा हो गया। और भी कोई साथी नहीं, इसका इसके साथ कोई साथी होना इन्होंने नहीं बताया।